हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर्स, माय फ्रेंड्स, ईद मुबारक। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त देगी कोरमा, बीफ कोरमा की रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ, जो कि 6 किलो कोरमा की रेसिपी है। और इतनी मज़ेदार रेसिपी है ये कि झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी मुशक्क़त के आप इस रेसिपी को तैयार करें और फौरन जो है वक्त को ज़ाया किए बग़ैर अपने मेहमानों के सामने पेश करें। और इस रेसिपी को ना सिर्फ आप इंजॉय करेंगे बल्कि आपके गेस्ट भी इसको खूब इंजॉय करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी के बारे में पूछेंगे कितनी मज़ेदार रेसिपी, जो कोरमा जो आपने बनाया उसकी रेसिपी क्या है। तो ये देखें रेसिपी कैसे बन रही है। इसमें आपकी हर चीज़ जो है वो पूरी पूरी जाएगी। लहसुन आपको छीलने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही उसको डालें, साबुत धोएं ऐसे पानी में, उसको डालें, प्याज को काट लें या बग़ैर कटी हुई प्याज आप पूरी पूरी उसमें ऐड करें। ठीक है, ये देखें लहसुन जा रहा है इसके अंदर और पूरा पूरा लहसुन जा रहा है। और जब ये प्लेट के अंदर आएगा पूरा लहसुन, और वो देखने में भी इतना खूबसूरत और शानदार लगेगा और खाने में भी इसका ज़ायका जो है वो तारीफ़ के काबिल होगा। ठीक है, तो अब ये देखें टमाटर भी साबुत गया है, प्याज भी साबुत गई है, बाकी मसाले ये जो है वो धनिया पाउडर और ये तो सब आपको बाज़ार से पिसे हुए मिल ही जाते हैं, इन पे तो मेहनत करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। नमक हो गया, मिर्चें, धड़ा मिर्चें, हल्दी, ये सब चीज़ें आप डालें हसबे ज़रूरत। ठीक है, 6 किलो के हिसाब से आपने, हम तो डाल रहे हैं, अगर आपने कम बनानी है तो आप उसके हिसाब से कम डालें। तो हमारी तो 6 किलो गोश्त की जो है बीफ की ये बीफ कोरमा की रेसिपी है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड करें, तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बन रही है बीफ कोरमा की मज़ेदार रेसिपी। और ये जब बनेगी तो आपके मेहमान आपसे इसकी रेसिपी के बारे में ज़रूर पूछेंगे और आपकी जो है वो तारीफ़ जो है इतनी तारीफ़ होगी कि आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे कभी। मेरी भी बहुत तारीफ़ की मेरे मेहमानों ने, मेरे गेस्ट ने, और खुशबू जो है वो इसकी 4 मोहल्लों 4 गलियों में जाएगी आपके। सुबहानअल्लाह माशाल्लाह, देखें इसकी कितनी प्यारा इसका कलर आ रहा है और इतनी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अल्फाज में आपको बयान नहीं कर सकती। आप जब बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत सारी यूट्यूब पे रेसिपीज़ होती हैं बट ऐसी रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतनी शानदार रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी कि आपके मेहमान वाह वाह करते रह जाएंगे और आपसे इस रेसिपी के बारे में ज़रूर पूछेंगे और आप उनको ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।